महान समय, ये महान उपस्थिति, ये महान प्रेम और ये महान आत्मा का अभिषेक प्रभु हम कभी भी हमारे जीवन में भूल नहीं सकता है। धन्यवाद प्रभु, आपका ये कृपा हमारे ऊपर आपने रख लिया। धन्यवाद ये ऐसी गाना, ऐसी संगति, परमेश्वर सभी भाई और बहन को आपका आशीष को दे देना। धन्यवाद प्रभु, ये इस समय पर हम आपको याद करता है, क्योंकि हम हमारे जीवन में हम आपको बार बार याद करता है प्रभु, मगर अभी भी हम आपको याद करता है ताकि आप हमारा बीच में आते हुए आज हमको आपका वचन से हमको और भी उज्जीवन दे देना। धन्यवाद प्रभु, गया हुआ दिन में आपने हमको जबरदस्त आशीष को दे दिया, जबरदस्त वचन से हमको भर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपका जबरदस्त उपस्थिति के द्वारा हमको आपने चलाया। अभी भी आपका कृपा और आपका महिमा को हम याद करते हुए आपका पास हमारा सर को झुकाते हुए हम आए हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ये सभा को आपका हाथ में सौंप देता है। कोई भी जो ऑनलाइन में जो सुनता है और यूट्यूब है और MP3 है और कौन सा भी तरीका में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कोई भी घटना ना होने दे, आप सबको सुरक्षित रूप से रखना। धन्यवाद प्रभु, और आपका ये महान समय के लिए आपका दास को भी आपके हाथ में सौंप देता है। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। जैसा हम लोग खड़ा है, बोलिए दूसरा पीटर, दूसरा पीटर पहला अध्याय 1 से लेकर 8 तक, दूसरा पीटर पहला अध्याय 1 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। साइमन पीटर, ये सर्वेंट एंड एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू देम दैट हैव ऑब्टेन्ड लाइक प्रेशियस फेथ विद अस थ्रू द राइटियसनेस ऑफ गॉड एंड आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड, अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर हैथ गिवन अनटू अस ऑल थिंग्स दैट परटेन अनटू लाइफ एंड गॉडलीनेस थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। मेरा प्यारा भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं कि प्रभु का ये समय, ये समय में हम लोग परमेश्वर का प्रेम से हम लोग है, और प्रभु ने हमको सचमुच में ये प्रेम से भर दिया। हम धन्यवाद करना चाहिए। गया संडे भी आप लोग बहुत अच्छा संदेश को सुना। मेरा प्यारा भाई बहनों, मेरा मकसद है, मेरा जो प्रचार का जो चीज़ है, आप लोगों को ये बात समझना चाहिए ये सेवकाई क्या है, क्योंकि अगर हमको ये सेवकाई के बारे में मालूम नहीं होते, हम काफ़ी मैसेज को सुना सेवकाई के बारे में, और हमको ये अलग अलग तरीके से हमको हमारा पास सामने आता है, और एक पिक्चर के समान, एक चित्रण के समान, एक दृश्य के समान हमारा हमारा सामने आके खड़ा होते हैं, तभी हमको मालूम होता है हम क्या है, हम कहाँ पर है, क्योंकि हमको बिल्कुल मालूम होना हम कहाँ पर खड़ा है, हम कैसे खड़ा है, हम कौन सा सेवकाई को हम
सेवकाई के अंदर है हमको मालूम होना, इसलिए ये मैसेज सब हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आज भी मैंने वही मैसेज को कंटिन्यू करने वाला है जो टावर ऑफ बेबीलोन, टावर ऑफ बेबीलोन, और सबटाइटल जो है स्टेचर ऑफ द परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य का डील डूल, सिद्ध मनुष्य का डील डूल और स्टेचर ऑफ द परफेक्ट मैन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग अभी काफी बातों को सुना, मैंने यहां पर कहना चाहता है और सचमुच में भाई ब्रैनम का जो सेवकाई जो है, भाई ब्रैनम का जो सेवकाई, वो खाली भाई ब्रैनम को हम मानते हैं, बिल्कुल हम उसको नबी करके मानना चाहिए, क्योंकि वो नबी है, मामूली नबी नहीं है, वो परमेश्वर भेजा हुआ नबी है, और उनसे हमको बहुत कुछ बात हमको मिला। अगर उनका मैसेज हमको नहीं मिलता तो, अगर वो नबी नहीं आता तो हमको निज हमको सचमुच में जो महान सेवक आए हमको मालूम नहीं होता था, परमेश्वर उतर के आना हमको बिल्कुल मालूम नहीं होता था। मगर हमको मालूम होना चाहिए भाई ब्रैनम सिर्फ आया है और हमको मैसेज को प्रचार किया और बाइबल के अंदर का सारी वेद को हमको बता दिया, मगर उधर हमारा पूरा काम नहीं होता है। परमेश्वर अपना दुल्हन को इस अंतिम दिन में महान सामर्थ्य के द्वारा, महान प्रकाशन के द्वारा, पवित्रात्मा का बाप्तिस्मा के द्वारा और रैप्चर को लेके जाने के तरह परमेश्वर अपना दुल्हन को तैयार करता है। वो यस, हम तैयार होने के, अगर तैयार होने के हम लोग बोलेंगे काली भाई ब्रैनम नबी है और भाई ब्रैनम के बगैर आप लोग को मालूम है क्या, भाई ब्रैनम खुद बोलते हैं उसका मिनिस्ट्री के बारे में, भाई ब्रैनम खुद बोलता है उनका मिनिस्ट्री के बारे में और भाई ब्रैनम खुद साक्षी है आगे का मिनिस्ट्री के बारे में। ये बातों को बहुत लोग नहीं मानता है, बहुत लोगों को अभी भी विश्वासी लोग नहीं है वो लोग, हमको वो लोग का मतलब नहीं, हम ज्यादा वो लोग के बारे में बात भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमको बात कर रहे हैं विश्वासी लोगों के बारे में। अगर हम मैंने बोलेगा विश्वासी बोलेगा, विश्वासी काली भाई ब्रैनम का मैसेज को विश्वास करने वाले को विश्वासी बोल नहीं सकते, वो विश्वासी नहीं है। वैसे विश्वासी बोलेगा तो एक विश्वासी, एक मसीह का जन बनने का तो हम लोग को भाई ब्रैनम का बातें का सेवक आए हमको समझना चाहिए। सातवां मोहर का जो रेवलेशन हमको मिलना चाहिए और सात गर्जना को हम सुनना चाहिए। वैसे अगर तब तक आपको सात गर्जना सुनने को नहीं मिला, अगर बोलेगा आप सात गर्जना की, सात गर्जना कुछ भी नहीं है, प्रभु का आवाज है वो, मगर प्रभु का आवाज गधे के द्वारा ना घोड़े के द्वारा नहीं भेजा, प्रभु का आवाज मनुष्य का द्वारा ही हमको सुनने को मिला। मनुष्य के द्वारा उन्होंने बात किया और मनुष्य और नबी और प्रभु के बीच में दूत लोग ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। वैस ये महान बातें, और ये जो पिक्चर है जो जैकब का जो सीढ़ी का जो पिक्चर बोलेंगे तो वो नमूना है। भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री नहीं है वो, भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री में दूत लोग ऊपर नीचे आते जाते नहीं रहता था, वो भाई ब्रैनम का बिल्कुल मिनिस्ट्री नहीं है। भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री जो है पक्षी आया था, बर्ड्स, पक्षी आ गया, वैसे पहला छोटा पक्षी आ गया, बाद में बड़ा पक्षी आ गया, उधर ही खत्म हो गया वो भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री, भाई ब्रैनम खुद बोलता है। और उनका मिनिस्ट्री में पक्षी आ गया और बड़ा, पहला छोटा पक्षी आ गया, बाद में बड़ा पक्षी आ गया और भाई ब्रैनम खुद उसके बारे में बोला, ये मेरा सेवकाई का पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव करके बोला, और बाद में बोला दूतवा भी आएगा करके बोला। वैस मगर भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में ऐसा दूत लोग ऊपर नीचे नहीं जाता था, वो भाई ब्रैनम का बिल्कुल सेवकाई का पिक्चर नहीं है, भाई ब्रैनम का बिल्कुल सेवकाई नहीं है वो। ये सब बात आप लोग मानना चाहिए, आप कैसा जिद्दी में रहते हो। वैस क्या आपका विश्वास क्या है, आप ऐसा जिद मत करो, भाई ब्रैनम का मैसेज को अपना सर को झुकाओ और देखो इतना बड़ा बड़ा, इतना गधे का उम्र हुआ, बहुत सारा सेवक लोग है, इतना उम्र हो गया उसका, इतना बाल भगा और कुछ भी मालूम नहीं है वो लोग को। वो यस मैं कहना चाहता है, वो लोग अभी अपना समय को व्यर्थ करता है और कलीसिया को महासंघर्ष का जगह पर लेके जाता है। और बहुत लोग, मेरा प्यारा भाई बहनों, बहुत लोग परमेश्वर का वादा को खोएगा और महाकष्ट का समय पर जाएगा और वहां पर वो लोग को तकलीफ हो जाएगा। वो यस कोई भी ऐसी, मेरा प्यारा भाई मैं सच कहता हूं, मेरे को क्या इधर झूठ बोलने के, मेरे को क्या आप लोग पैसा देता है,
हाँ मेरे को क्या आप पैसा बेचे पैसा पैसा के लिए प्रचार कर रहा है? बिल्कुल नहीं है। आप सही में जाना, सही में सेवकाई में रहना, सही में सेवकाई को पहचाना, ये मेरा मकसद है। वैसे इसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा होता है और प्रभु का कृपा से मेरे को मालूम नहीं कब तक मैं ऐसा प्रचार करके रहेगा, प्रभु जितना समय तक मेरे को उपयोग करेगा मेरे को मालूम नहीं, मगर एक बात है तब तक वो मेरे को उपयोग करते रहेगा। मैं सच्चाई इधर बोलेगा, मेरा साथ भाई ब्रैनम का मैसेज भी है और उसी से मैं बात करना चाहता हूँ। वैस और इसलिए मैंने घर पर पे पहनूँ, ये मत सोचना भाई ब्रैनम का मैसेज में रहते हुए आप रैप्चर को रैप्चर में जाएगा करके, बिल्कुल नहीं है। खाली भाई ब्रैनम के मैसेज से आपको रैप्चर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपका ख्वाब है, सपना है। वैस इधर सुनिए भाई ब्रैनम क्या बोला, मेरे को प्रिंट आउट निकलने को समय नहीं हो गया इसलिए मैं इसको इधर मेरा एंड्रॉयड में पेस्ट करके रखा है। इधर देखो भाई ब्रैनम सेवंथ सील में बोलता है, 63 का सेवंथ सील सातवां मोहरा में क्या भाई ब्रैनम बोलता है, इधर सुनिए। आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए। हाँ मैं खाली इधर आके खाली मेरा बातों को नहीं बताता है, नबी लोगों के बातों से मैं बात करता इधर। अभी इधर भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं, सी वन फर्स्ट बंच, पहला एक झुंड ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटा छोटा पक्षी, फेदर्स ऑल बीट डाउन, वो उनका जो पंखे में जो है वो सब निकल गया। आप लोग क्या याद करता है, यू रिमेंबर देम एंड दे ऑल फ्लू ईस्टवर्ड, वो पूर्व का तरफ भागा, हाँ उड़ान किया, पूर्व का तरफ उड़ान किया, भागा नहीं उड़ान किया, पूर्व का तरफ उड़ान किया। ऑल राइट एंड द सेकेंड बंच वेर ब्राइटर, और दूसरा जो झुंड है ब्राइटर है, बहुत तो ब्राइटर बोलेगे तो बहुत क्या बोलते हैं चमकने वाला। ऑल राइट बिगर बर्ड्स, बड़ा पक्षी है, लुकुड लाइक डव्स, वो कबूतर के जैसा दिख रहा था, पॉइंटेड विंग्स और उनका जो पंखा है ऐसा ऐसा पॉइंटेड था, दे फ्लू ईस्टवर्ड, वो भी पूर्व की तरफ उड़ाया उड़ान किया। ऑल राइट और बाद में बोलते हैं फर्स्ट फुल सेकंड फुल बोला, पहला खींचाओ दूसरा खींचाओ। ऑल राइट देन द नेक्स्ट वाज एंजल्स बोला, और बाद में जो आया वो दूत लोग के बोला, नेक्स्ट वाज द एंजल्स और बाद में का जो है दूत लोग के। ऑल राइट एंड एस वॉज स्टैंडिंग राइट देर, वो वहाँ पर खड़े थे एंड दिस एक्सप्लोजन लेफ्ट, ये भयंकर एक एक्सप्लोजन वो छोटा छोड़ दिया। एंड आई वॉज लुकिंग दिस वे, मैंने इस तरफ देख रहा था, पश्चिम की तरफ देखता था, एंड दे कम एंड जस्ट पिकड मी अप इन दैट, मेरे को उठा के लेके गया, मैंने आई वेंट प्लम आउट ऑफ माई नोइंग, वन ऑफ देम कमिंग वॉज जो 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 मेरा पास आ रहा था दूध के बारे में, वो मेरे लिए वो अजनबी था। हाँ ऑल राइट ये कंसोलेशन ये सब ऑल राइट ठीक है, ये सेवंथ सील का कोटेशन है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ा। अभी यहाँ पर देखिए वो भाई ब्रैनम खुद बोलता है, ये पहला खिंचाव और दूसरा खिंचाव बोलता है, और हमको बिल्कुल मालूम है भाई ब्रैनम जो है पहला और दूसरा खिंचाव के साथ में खड़ा था। हाउ मेनी सेमेन, हाँ पहला और दूसरा खिंचाव का साथ भाई ब्रैनम खड़ा था, क्यों बोलेगा तो भाई ब्रैनम का सेवकाई में सातों मोहरा बिल्कुल खुलासा नहीं हुआ। हाँ सातों मोहरा बिल्कुल खुलासा नहीं हुआ, भाई ब्रैनम का सेवकाई में खाली छठवा मोहरा तक खुलासा हो गया, और बाइबल के अंदर का भेद भेद प्रकटित हुआ, और इसलिए उनका सेवकाई में महान काम बढ़िया काम नहीं हुआ। इनका सेवकाई में सचमुच में देखे तो छोटा ही काम हो गया, बढ़िया काम नहीं हुआ। यीशु मसीह सेंट जॉन वैसे पहला अध्याय का 51 में क्या बोलते हैं, हियर आफ्टर इसके बाद आप लोग बड़ा कामों को देखेगा, ग्रेटर थिंग्स यू शैल सी। वैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वो बोलते हैं बड़ा कामों को देखेगा, बड़ा काम बोलेगा तो वो क्या बोला, हियर आफ्टर यू शैल सी द ग्रेटर थिंग्स
अभी तक आप लोग छोटा बातों को देखा, छंगाई होना, अंधे को आंख मिलना, ये सब चीजों को देखा, मगर इससे भी बढ़िया बातों को देखिएगा आप लोग। और क्या बोला बाद में, दूत लोग मनुष्य पुत्र का नीचे आना, मनुष्य पुत्र का ऊपर आना और ऊपर नीचे आना और ऊपर जाना, और मनुष्य पुत्र भी ऐसे ही, और ये बातों को उन्होंने बोला, मगर वो पहला आगमन का बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पहला आगमन में होते हुए दूसरा आगमन के बारे में बोला। वो बात, वो बढ़िया काम कभी होता है इस अंतिम दिन में, हमारा समय में, हमारे युग में, हमारा घड़ी में ये बात होता है, और हम उसके लिए साक्षी है, क्योंकि ये जबरदस्त बात है मेरे प्यारे भाई बहन। और इसलिए मैं बोलना चाहता है, ये लोग को मिनिस्ट्री मालूम नहीं है, ये लोग को भाई ब्रैनम को खाली नाम लेता है और भाई ब्रैनम का नाम को पुकारता है और भाई ब्रैनम मगर बिल्कुल इतना ये लोग के पास किताब है इतना टेप से, मेरे से भी नहीं है, कोई किसी से भी नहीं है, मगर ये लोग उसको पा नहीं सका। ये लोगों ये बातों को पा नहीं सका, इसलिए वो लोगों का कलीसिया में अगर कोई भी बैठेगा वो रैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग के पास रैप्चर में जाने वाला मटेरियल नहीं है। वो लोग के पास ट्रिबुलेशन बोलेगा तो महाकष्ट के लिए जाने वाला मटेरियल है। और मैंने बोलता है 10 से 12 बोलते हैं, मेरे को कुछ भी डर नहीं है, हकीकत है वो 10 से 12 है, 10 से 12। वो लोग के पास वो मटेरियल नहीं है, वो साधन नहीं है जैसा आपको रैप्चर में लेके जाना। मैं आज रात को पूछता है कितना लोगों को रैप्चर में जाने का आशा है, अपने अपने जगह पर हाथ उठाए, आपका हृदय आपके लिए साक्षी है। इसलिए पाखंडी के जैसा मत रहना, रैप्चर में जाने के लिए आपका हृदय निष्कपट होना चाहिए और इस मैसेज को प्रेम करना चाहिए और इस रेवलेशन को प्रेम करना चाहिए और प्रभु का ऊपर आपका प्रेम होना चाहिए। माय गॉड, अगर आप सचमुच में आपका हृदय में आशा है, आपको आप सही में वो मिनिस्ट्री के नीचे बैठा है, मैं बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री मामूली नहीं है। लोग सुधरता है, लोग अपना पाप के बारे में पश्चाताप करता है, लोग अपना सब कुछ वो लोग को प्रभु इधर बंदोबस्त करके रखा है, जो झूठा मिनिस्ट्री के पीछे भागता था ये लोग, और वो लोग अभी दुनिया में नहीं है, वो लोग निकल गए तो दुनिया छोड़ के, ऐसी भयंकर तरीके का सेवक लोग था। मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, प्रभु ने अच्छा अच्छा प्राण को कुछ भी स्थिति में वो लोग होने दे, कुछ भी स्थिति में वो लोग गिरने दे, क्योंकि सेवकाई बराबर नहीं था, वो लोग गिर गया, मगर सेवकाई ठीक सेवकाई मिला, वो लोग अभी उठा, परमेश्वर वो लोग को उठा दिया, क्योंकि परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन सच सच कहता है, एक नीतिमान व्यक्ति 7 बार गिरेगा मगर उठेगा करके बोले, इसका मतलब वो 7 बार गिर सकता है, अच्छा सेवकाई मिलने से वो उठेगा करके इसका मतलब है। क्या न्यूज से मैंने, अच्छा सेवकाई परमेश्वर मिलने से वो उठेगा, क्योंकि उठाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। वो ऐसे मैं नहीं, आप नहीं, ना कोई भी सेवक नहीं है, वो ऐसे उसको गिरने वाला जो व्यक्ति को उठाने का काम करता है सिर्फ परमेश्वर। माय गॉड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और मेरे फरबर बहन इधर देखिए, ऑलराइट, अभी देखो ये दूत ऊपर जाता है नीचे आता है, एक भयंकर जगह है वो ये भयंकर जगह है। भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री उतना भयंकर नहीं है, उधर इतना भयंकर का चीज नहीं है, भयंकर जगह है, बराबर सुनो, भयंकर जगह बोलेगा तो टेरिबल प्लेस करके बोलता है, टेरिबल प्लेस, हाँ जैकोब भी बोला ये टेरिबल प्लेस है बोला। माय गॉड, कभी भी ये बात सोचो, आप जो खड़े हो, आप जो खड़े हैं, वो मिनिस्ट्री टेरिबल मिनिस्ट्री है, टेरिबल है, भयंकर सेवकाई है। वैसे कभी भी उसको मामूली मत करना, कभी भी उसको हल्के में मत देखना, टेरिबल मिनिस्ट्री है। वैसे और परमेश्वर का आवाज बात करता है ऊपर से नीचे तक। वैसे क्या वो आप देख नहीं सकता है मेरे प्यारे भाई बहन, इधर आप किसी को भी देखेंगे नहीं, ये पिक्चर में ये सीडी है, ये सीडी में आप किसी को भी नहीं देखेगा, सिर्फ प्रभु को देखेगा। वैस और नीचे नबी को देखेगा, इधर नीचे नबी है, वैस ऊपर प्रभु है। माय गॉड, और आप ये एक मास्टर पीस है, ये एक मापने वाला चीज है। अगर कोई भी बोलेगा मेरे पास थंडर्स है, मेरे पास सेवंथ सील है, अगर ये चीज उनका जीवन में होना चाहिए,
चाहिए। Yes, मैं इनके बारे में आराम से बैठ के सोच रहा था, ये कैसा चित्रण है। ऊपर प्रभु खड़ा है, सीढ़ी का टॉप में, सीढ़ी का ऊपर प्रभु खड़ा है। द लॉर्ड हिमसेल्फ, यस द लॉर्ड हिमसेल्फ शल डिसेंड फ्रॉम हेवन, परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर के आया। यस महाबली दूत का आवाज का द्वारा, कैन यू से मैन, यस अभी वो उतर के आया और ऊपर खड़ा है, वो नीचे नहीं है ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है, नीचे उसका क्या बोलते हैं रेडियो स्टेशन है, क्योंकि उसका आवाज को सुनने के लिए एक स्टेशन है, क्रिस्टल है उधर। यस एक क्रिस्टल है, यस बाइबल बोलते हैं वो क्रिस्टल को उसका आवाज सुनने को मिलेगा, वो क्रिस्टल उसका आवाज को कैच करके बोला, एक क्रिस्टल है अभी। अब प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, कोई भी क्रिस्टल नहीं है, डाल्टन ब्रूस क्रिस्टल नहीं है, डाल्टन ब्रूस बिल्कुल नहीं है वो ऐसा क्रिस्टल, ना विंड आयल, ना कोलमैन, ना कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसी क्रिस्टल। और हमको मालूम है कौन है वो ऐसी क्रिस्टल, नीचे खड़ा था वो प्रॉफिट है, क्रिस्टल जो है प्रॉफिट है, क्योंकि वही खुद समझ सकता है परमेश्वर का आवाज को, आप नहीं मैं नहीं, यस आप भी नहीं समझ सकता है, मैं भी नहीं समझ सकता है, यस हमारे लिए एक गर्जन के रूप में समझने को मिलेगा, मगर उसका आवाज, उसका जो वॉइस, उसको समझने के लिए परमेश्वर नीचे एक रिसीविंग स्टेशन को रखा है, उसको खींचने वाला एक स्टेशन, यस एक जगह को रखा है, एक रिसीवर को रखा है, रिसीवर बोल सकता है, रिसीवर बोलेगा तो वो उसका आवाज को खींचने वाला एक साधन, और वो साधन जो हम बराबर पहचानता है, माय गॉड वो साधन हम बराबर पहचान लिया, और अगर वो साधन नहीं होता तो मैं इस फुलपीठ के पीछे नहीं खड़ा होता था। यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। वैस ये लोग ये सब सेवक लोग के ऊपर भूत खड़ा है, डेविल खड़ा है, डाल्टन ब्रूस के ऊपर डेविल खड़ा है, वैस वो ब्रूस के ऊपर डेविल खड़ा है, और विंडायल के ऊपर डेविल खड़ा है, और थियो ओविड के ऊपर डेविल खड़ा है, कोलमैन के ऊपर डेविल खड़ा है, मगर इसका ऊपर डेविल नहीं है, परमेश्वर खड़ा है, और दूत लोग का पूरा झुंड उधर है, वैस पूरा झुंड दूत लोग का आजू बाजू में घूम रहा है उसका, और ऊपर नीचे जाते जाते, क्योंकि वो क्या दर्शाता है, क्योंकि वो एंजल्स उधर आया, इधर पक्षी को नहीं देख सकता, ये थर्ड फुल मिनिस्ट्री है, तीसरा खिंचाव का सेवका है, और थर्ड फुल ब्राइड को आकर्षित करता है, कैसे आकर्षित करता है, कैसा ब्राइड आकर्षित होता है, ब्राइड अभी देखेगा, ब्राइड अभी उस आवाज को सुनेगा, ब्राइड को दिखता है प्रभु, कैन यू से मैन, ब्राइड को दिखता है प्रभु, ब्राइड को दिखता है परमेश्वर, कैन यू से मैन, और कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि ऊपर परमेश्वर, क्योंकि ऊपर परमेश्वर बैठा है। माय गॉड, कितना महान पिक्चर है। अभी आप भागेंगे किसके पीछे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, भागेगा, आपको डॉलर चाहिए, कितना डॉलर चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए, स्कर्ट चाहिए, टॉप चाहिए, अंडरवेयर चाहिए, क्या चाहिए बोलो। ये ऊपर खड़ा हुआ आदमी अंडरवेयर सप्लाई करता है, ड्रेस सप्लाई करता है, डॉलर सप्लाई करता है, मेरे को बताओ आप, और वचन में दिया है उसका आवाज बेचता है करके, उसका आवाज को बेचता है करके बोला, आपको आवाज चाहिए ना डॉलर चाहिए, दोनों में से एक को चुनो आप, यस दोनों में से एक चुन सकते हैं आप इस रात को, ना इस मैसेज को सुनने पर, क्या चाहिए आपको बोलो, आपका हृदय आपके लिए साक्षी है। वैस ऊपर जो खड़ा है वो डॉलर भी भेजने वाला नहीं है, ना कपड़ा भेजने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, वो वचन को भेजने वाला है, थर्ड फुल है, तीसरा खिंचाव, वैस तीसरा खिंचाव बोलेगा तो दी वर्ड, वचन है, रिवील्ड वर्ड प्रकटित हुआ वचन है वो, कैन यू से मैन, हाँ बराबर आपका आंखों के सामने ये पिक्चर आता है, ये चित्रण आता है, इस रात को आप बहुत बड़ा आशीष पाए हुआ आदमी, कैन यू से मैन, माय गॉड, यस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, यस ब्यूटीफुल, यस ऊपर प्रभु, ऊपर कोई बिशप नहीं, तो वर्ल्ड एल्डर तो आप देख नहीं सकते, ये सब जमाना गया, वर्ल्ड एल्डर को देखना ये सब जमाना गया, अभी प्रभु उधर खड़ा है अपना आवाज को देने के लिए, अपना वॉइस, यस क्या ब्यूटीफुल है मेरा प्यारा भाई बहनों, हाँ नीचे एक नबी खड़ा है, नीचे एक नबी, सब नबी नहीं है, सब लोगों का ऊपर नहीं आया, एक नबी खड़ा है, और वो क्रिस्टल है, वो उसका आवाज को, उसका आवाज वही क्रिस्टल में लगेगा तो उसका आवाज हमको सुनने को मिलेगा।
वो एस क्रिस्टल बोलेगा तो साधन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है वो यस। अभी इधर नबी सोया है, नबी लेइंग बोलेगा तो लबी है वो यस। पत्थर के ऊपर 12 पत्थर है वो यस, 12 है, 12 12 अपोस्तल लोग वो यस, 12 अपोस्तल लोग, 12 पत्थर, 12 अपोस्तल लोग, और सब प्रकाशन नबी लोगों को आता है वो यस, सब प्रकाशन नबी लोगों को, और किसी को भी नहीं आता है। कोई पास्टर इधर खड़ा नहीं रह सकता है, कोई मिनिस्टर का जगह नहीं है वो यस। कैसा इधर ब्रूस आके खड़ा होएगा, हाँ कैसा इधर ब्रूस रहेगा, इधर ब्रूस का जगह नहीं है, ब्रूस का बिल्कुल जगह नहीं है, ब्रूस का जगह ही नहीं है वो यस। डाल्टन ब्रूस का जगह नहीं है, ना कोई सेवक का जगह नहीं है, एक प्रॉफिट का जगह है, एक प्रॉफिट उधर खड़ा था, वो प्रॉफिट बाई ब्रैनम के बाद आया था, बाई ब्रैनम के बाद ये प्रॉफिट आ गया, बाई ब्रैनम के बाद परमेश्वर इस प्रॉफिट को वो जगह पर डाल दिया। माय गॉड, कोई भी प्रॉफिट नहीं आता है, अगर कोई भी बाई ब्रैनम का मैसेज को, मेरा एक बात बोलते हैं, बराबर सुनो, बराबर सुनो, अगर मेरा मेरा यूट्यूब को नहीं देखेगा तो जाओ किधर भी, मैं ख्याल नहीं करता है, आप मेरा यूट्यूब को देखो करके, आज सब्सक्राइबर बनो, नहीं ना मत बनो, मैं सच्चाई प्रचार करता है। एक बात मैं बोलना चाहता है, अगर मेरा फेर बैर बहन कोई भी पास्टर बाई ब्रैनम का मैसेज को उठाया, कोई भी इवेंजलिस्ट उठाया, कोई भी कोई भी पांच तरीके के दान के अंदर के नबी उठाया, ये गलत किया वो लोग, ये गलत किया, क्योंकि वो लोग ये 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 बात होने के पहले ना वो मैसेज को उठाया और सातान के पीछे भागे, क्योंकि सबका ऊपर एक एक दूत, सॉरी एक एक डेविल दुष्टात्मा बैठा है, और एक एक तरीके का अनुवाद देने को शुरू किया, यही गड़बड़ हो गया। मगर इधर ऐसा नहीं है, इधर एक सच्चा प्रॉफिट है, सच्चा नबी है, कैन यू से मैन, सच्चा प्रॉफिट ही इधर खड़ा है, सच्चा प्रॉफिट के ऊपर परमेश्वर खड़ा है और दूत लोग उसके पास खड़ा है। कैन यू से मैन, माय गॉड वॉयस, ब्यूटिफुल वर्ड है वॉयस, ये सच्चा प्रॉफिट है वॉयस। परमेश्वर पास्टर को बुला के उधर नहीं डाला, ना पास्टर को, ना वर्ल्ड एल्डर को, ना बिशप को, ना अपोस्टल को लाके इधर नहीं रखा, एक नबी को लेकर आके इधर खड़ा किया और ये बातों को कर दिया। And you say, man, hallelujah. Oh yes, मैं सचमुच में मैं इधर चार्ज हो गया, इधर मैं चार्ज हो गया, इधर praise be the name of the Lord. Oh yes, glory to the name of the Lord. सचमुच में ये चार्ज होने वाला बात है, हाँ किसी को भी नहीं लेकर आया, मगर नबी को लेकर आके खड़ा किया, क्योंकि नबी इधर था। Oh yes, हाँ praise be the name of the Lord. और परमेश्वर ये सीढ़ी को स्वर्ग स्वर्ग से नीचे पृथ्वी तक लगा दिया, परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं है, ये निमरोध का जैसा ये क्या बोलता है मीनार नहीं है, ये मीनार का बात नहीं है, हाँ ये 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 असली में सीढ़ी है, बराबर सुनो नाउ, हाँ अगर आपको स्वर्ग जाने के, अगर आपको स्वर्ग बोलेगा तो, अगर आपको रैप्चर में जाने का है, बराबर सुनो, अगर आपको रैप्चर में जाने के, बहुत लोग को रैप्चर में जाना आशा है, मगर आशा अच्छा आशा है, अब मगर ये बात आपके जीवन में होना चाहिए, अगर आपको रैप्चर में जाने का आशा है, जैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग में एलिवेटर है, एलिवेटर बोलेगा तो क्या बोलता है एलिवेटर, हाँ लिफ्ट बोलते हैं हम लोग, बोलता है लिफ्ट करके, लिफ्ट बोलेगा तो उसके अंदर बैठेगा सीधा आपको लेके जाए, मगर ये लिफ्ट का काम नहीं है, हाँ स्वर्ग जाने के लिए आप लिफ्ट में नहीं जा सकते। कितना लोग आज लिफ्ट में जाने के लिए, क्योंकि लिफ्ट के अंदर क्या है कुछ भी नहीं दिखता है, लिफ्ट के अंदर बंद 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 कर दिया, ये सब लिफ्ट सब मीनार में जाने के लिए, मीनार के अंदर लिफ्ट रहता है, मगर इधर लिफ्ट नहीं है, ये सीढ़ी है, ये एक एक स्टेप में जाना चाहिए, वो स्टेप चढ़ के जाने का। कैन यू से मैन, वो ये से यार दू कभी हमेशा कट होते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। Oh yes, praise be the name of the Lord. ये लिफ्ट का काम नहीं है, हम लोग सीढ़ी में चढ़ के जाने का, एलिवेटर नहीं है, हाँ कोई ना बायलामेंट बोलते, कोई ना कोई बोला हम जंप करके जाएंगे करके, नो कभी भी नहीं है, ऑलरेडी एक एक स्टेप में जाने का है। Oh yes, एक एक स्टेप लेके जाने का है। ऑलराइट, इधर नबी है, वो नबी पृथ्वी में है, नबी पृथ्वी में रहते हैं, नबी पृथ्वी का है, नबी पृथ्वी का है, प्रभु स्वर्ग का है। कैन यू से मैन, नबी पृथ्वी में, वो आसमान में उड़ता नहीं है, नबी आसमान
आसमान में उड़ने वाला बात अलग है, ये पृथ्वी में खड़ा रहने वाला नबी है, दो पैर के नबी है, दो पैर में चलने वाला है। Yes. Oh, yes. Praise be the name of the Lord. मगर प्रभु स्वर्ग का है। All right. और ये नबी पत्थर के ऊपर अपना विश्राम कर रहा था। वैसे क्योंकि ये परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा है। वैसे ये परमेश्वर का कृपा क्या है? परमेश्वर का कृपा यही है मेरे लिए और आपके लिए, वो सीढ़ी को उतार दिया। वैसे सीढ़ी को उतार दिया क्योंकि हम चढ़ के जाने के लिए, और दूत लोग भी है वो सीढ़ी में, और नीचे नीचे पृथ्वी में नबी 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 है। वैसे नबी है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वो एक जगह है, सटल स्पॉट बोलते हैं। कभी जाकोब उठा, बराबर सुनो, कभी जाकोब उठा, वो उन्होंने बोला मैं कैसा यहाँ पर आया मेरे को मालूम नहीं है, मैं कैसा यहाँ पर आया मेरे को मालूम नहीं है, मैं ऐसा आया हाँ वो ये बहुत अच्छा जगह है मगर मेरे को मालूम नहीं था। हाँ हाँ, ये खाली आशीष नहीं है, ये खाली इधर आशीष नहीं है, इधर डर भी है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, किसको डर नहीं होएगा? अगर ऊपर प्रभु खड़ा है और दूत लोग ऊपर नीचे जाता है बोलेंगे तो किसको डर नहीं होएगा, मेरे को बताइए। हाँ, ये खाली खाली आप ये खाली एक कहानी को सुनते हो, ये हकीकत का बात है। ऊपर प्रभु खड़ा है और ऊपर से नीचे सीढ़ी को निकाल दिया, सॉरी सीढ़ी को उतार दिया। हाँ, और दूत लोग ऊपर नीचे जाते रहता है और नबी बोलता है ये भयंकर जगह है, वो आशीष भी है और भयंकर जगह भी है। बोला वो कैन यू से मैन, बोलेगा तो परमेश्वर का जबरदस्त उपस्थिति है उधर, परमेश्वर का जबरदस्त प्रेजेंस है, जबरदस्त उपस्थिति है। वो यस, आप कुछ भी सोच नहीं सकता है। हाँ, आप कौन सा भी सोच को उधर सोच नहीं सकता है। वयस, क्योंकि वो डरने का जगह है, क्योंकि दूत लोग ऊपर नीचे जाता है। वयस, और उतना नहीं, जैसा ऊपर नीचे जाता है परमेश्वर का आवाज ऊपर से नीचे तक आता है, परमेश्वर का आवाज ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे तक आता है। वयस, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। और ऊपर आवाज है, ऊपर आवाज है, अभी ऊपर आवाज है। हाँ, बराबर सुनो, ऊपर आवाज है। वैसे प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री नहीं है, भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में आवाज नहीं आता था, ललकार आता था, ललकार ललकार अलग है, आवाज अलग है। क्या यू से मैन, हाँ भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में इतना भयंकर, इतना डरने का बात नहीं है। वैसे लोग क्या करता था मालूम है? लोग वहां पर चिंगम खाता था, भाई ब्रैनम प्रचार करने के समय में उसका कलीसिया में लोग चिंगम खाता था, इतना हल्का करता था। बहुत सारा बात भाई ब्रैनम बोलने को अच्छा अब नहीं चाहता था वो। भाई ब्रैनम क्या बोला? मेरा परमेश्वर का इज्जत को मैं निकालना नहीं चाहता है, अलग बहुत सारा अलौकिक बातों को मैंने ये लोगों का सामने नहीं बोलता है बोला, क्योंकि वो लोग जो खड़ा था, वो लोग जो बैठा था, वो जगह इतना भयंकर नहीं था, इतना डरने का जगह नहीं था वो लोग। हाँ हाँ, क्योंकि पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव होता था, इसलिए भाई ब्रैनम का सभा में ये लोग बैठ के चिंगम खाता था और बहुत लोग भाई ब्रैनम के पीछे जाके बैठता था। वयस, और चिंगम खाता था। वयस, भाई ब्रैनम कुछ सुपर नेचुरल अलौकिक बातों को बोलने के समय में वो लोग चिंगम खाता था। वयस, क्योंकि वो लोग को कुछ भी डर नहीं था, क्योंकि मेरा फर बैर बहनों ये ललकार का समय था, ललकार था, मगर इधर ऐसा नहीं है, इधर आवाज हो रहा है, आवाज हो रहा है। वैस, किसका आवाज? भाई ब्रैनम का आवाज नहीं है ये, भाई ब्रैनम का आवाज है, बिल्कुल आप गलत मत सोचो। बहुत लोग बोलता है भाई ब्रैनम का आवाज से हम लोग रैप्चर में जाते करके, गलत है। भाई ब्रैनम का आवाज खाली हम मैसेज को सुना, ललकार को सुना, मगर ये अलग आवाज है, ये परमेश्वर का आवाज है, ऊपर से नीचे आता है। हाउ मेनी से मैन, माय गॉड, कैसा लगता है अभी? कैसा लगता है? अभी तक सुना है क्या ये बातों को? हाँ, अभी तक नहीं सुना? मैं चैलेंजेबल मैसेज है फ्रेंड, चैलेंज है, कोई भी चैलेंज मेरे साथ कर सकता है। हाँ, कोई भी इसको चैलेंज का रूप से लेके मेरे साथ डिबेट कर सकता है, मगर आप लोग नहीं आए क्योंकि आप लोग को मालूम है ये मटेरियल का सामना करना बहुत मुश्किल है, करके मुश्किल है, आपसे नहीं होएगा, क्योंकि आप पहला बात है आप अविश्वासी है, इस बातों को मानने से आपसे नहीं होएगा। तीन तरीके का बिलीवर्स भाई ब्रैनम का मैसेज के नीचे था, विश्वासी, अविश्वासी और नकली विश्वासी।
एक विश्वास के छोड़ के आप दोनों में से एक कैटेगरी को आप पाया है। कैन यू से मैन? हाँ, इधर सुनो। ऑलराइट, अभी ऊपर जो था उखाने मालूम है, अभी बताता है वो दूल्हा है। हाँ, लॉर्ड भी है, दूल्हा भी है, दूल्हा है वो नबी के द्वारा बात करता है। कैन यू से मैन? प्रेस 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 बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अभी वो जो ऊपर जो था वो दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, वो नबी के द्वारा बात करता है, दूतलों के द्वारा। हाँ, अभी इधर आप देखो खाली दूत लोग ऊपर नीचे जाता है, मगर वो लोग के लिए वो लोग बात करने का परमिशन नहीं है, वो लोग को प्रभु बात करने को छोड़ नहीं, क्योंकि दूत लोग को प्रभु छोड़ नहीं बात करने के लिए। वो लोग खाली नबी के बीच में, प्रभु के बीच में और नबी के बीच में आते जाते रहता है, मगर बात करने वाला प्रॉफेट है इधर, वॉइस नबी है। आप अंदर जा करो इस रात को, आप परमेश्वर को धन्यवाद बोलो, ये कौन है नबी? हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये कौन है? आपको क्या डाल्टन ब्रूस दिखता है? आपको क्या विंड डायल दिखता है? आपको कौन दिखता है इधर? हाँ, मेरे को और कोई दिखता है? कैन यू से मैन? ये बराबर पिक्चर है। अगर ये आपको समझेगा, आप किसी के पीछे भागेंगे नहीं। आपको मालूम पड़ेगा इस रात को ये मिनिस्ट्री आप भयंकर है, ब्रदर ये भयंकर मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है करके बोलेगा। आप प्रभु को धन्यवाद बोलेगा, आपका सर को नीचे डाल के प्रभु को आमीन बोलेगा आप। ओ यस, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। ओ यस, ये क्या है? ये क्या है? कौन सा पिक्चर को आप देखते हो? वैस दुल्हन का दूल्हा का आवाज ऊपर से नीचे आता है नबी के थ्रू से। हाँ, नबी के थ्रू से, और नबी नीचे प्रकाशन के ऊपर सोया है नबी। देखो, प्रॉफिट वॉज डाउन देयर लेइंग ऑन द स्टोन्स ऑफ रेवलेशन। वैस जैसा मैंने बोला, स्टोन्स ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का पत्थर का ऊपर नबी सोया है, प्रकाशन का पत्थर का ऊपर नबी सोया है। How many say amen? Hallelujah, glory to the name of the Lord. डॉलर के ऊपर नहीं है और पैसा के ऊपर नहीं सोया नबी, रेवलेशन के ऊपर सोया है, प्रकाशन के ऊपर सोया है। माय गॉड, कैन यू से मैन? पत्थर क्या है ब्रदर वाटसन? प्रकाशन है। ऑलराइट, और विश्राम करता है, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? यू शैल सी एंजल्स ऑफ गॉड, आप लोग देखेगा परमेश्वर का दूत लोगों को ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना। वैस अपॉन द प्रॉफिट, ओ नबी का ऊपर, ओ नबी का ऊपर। ये कौन सा नबी है? कौन सा नबी है? इस रात को मैं बताना चाहता है, कौन सा नबी है ये? हाँ, ऐसा ऊपर नीचे जो नबी के ऊपर दूत लोग जाते आते रहता है। अब्राहम के ऊपर पक्षी आता था, पक्षी इतना महान नहीं है, पक्षी इतना सामर्थ्यवान नहीं है, मगर दूत सामर्थ्यवान है। Can you say amen? Hallelujah. Branham बोल के अंधा करते हो लोगों को। मेरा प्यारा भाई बहनों, ये लोग लोगों को अंधा करने के लिए Branham बोलता है, मगर लोगों का खुलासा होने के लिए मैं इधर प्रचार करता है। Can you say amen? Yes. हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता है, आप कितना किताब उठाओ, कितना भाई लामड़ का टेप को सुनो, कितना भी सुनो, गमन मत हो जाओ, आपको समझेंगे नहीं फ्रेंड, दोस्त आपको समझेंगे नहीं। खाली आप सुनते हो बस, आपको ये रेवलेशन मालूम नहीं पड़ सकता है, अंटिल अनलेस यू हैव टू कम अंडर द ग्रेट एनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर का अभिषेक का नीचे आने नहीं आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ओ यस, अभी इधर इधर देखिए, इसलिए यीशु मसीह ऐसा बोला, ये सब आप लोग देखते हो मामूली है, क्योंकि पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव, मगर इसके बाद आप जो देखते हो वो यस, वो दूत लोग, वो नबी के ऊपर नीचे आना, दूत लोग इधर पक्षी को नहीं देखेगा, छोटा पक्षी भी नहीं है, बड़ा पक्षी भी नहीं है, छोटा पक्षी का पूरा फेदर गिर गया, छोटा पक्षी का गाँव होकर गिर गए, वो खत्म हो गया उसका मिनिस्ट्री, बाद में उससे भी बड़ा पक्षी आ गया। Yes, praise be the name of the Lord. ये दोनों भी भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री को दर्शाता है, दिखाता है, दोनों भी भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री है वो। और यस, वो पक्षी आने से भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री, वो वही पक्षी का मिनिस्ट्री, पक्षी उड़ान करके आया,
उड़ान करके आया, छलके ने उड़ान करके आया और खत्म हो गया वो सेवक का। मगर बाद में क्या भाई ब्रैनम बोलता है, और नेक्स्ट मिनिस्ट्री, नेक्स्ट जो है दूत लोग आता है बोला, वही भाई ब्रैनम भी बोला, आहा आप लोग भाई ब्रैनम का मैसेज को सुनते हो। मेरे को कभी कभी बहुत हंसी आता है। मेरे को लगता है अभी इतना मैसेज सुनने के बाद भी आप लोगों को मालूम नहीं होता है। अरे मेरा प्यारा मेरे बहनों, कितना महान प्रभु है, हिंदुस्तान के ऊपर इतना आशीष को डाल दिया। वो आशीष को तो कम से कम देखो, मेरे को मत देखो, हिंदुस्तान के अंदर परमेश्वर बढ़िया आशीष को डाला, इसलिए हिंदुस्तान को कोई भी हिला नहीं सकता है। कोई भी देश ना पाकिस्तान, ना चाइना, ना रशिया, ना अमेरिका हिंदुस्तान को हिला नहीं सकता है। ये दस से तो लौटे, क्योंकि ऐसी वेपन को प्रभु ने डाल दिया और हिंदुस्तान के अंदर ब्राइड है। यस प्राइस प्राइस प्राइस, क्या सोच रहे हो? न्यूज़पेपर देख के क्या आश्चर्य मत हो जाओ, कोई भी युद्ध नहीं करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ। ऐसी जबरदस्त वेपन को हिंदुस्तान के अंदर प्रभु ने आत्मिक वेपन को डाल दिया। हाँ, हालांकि इंडिया का जो मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है भयंकर वेपन से, मगर आत्मिक में भी देखो भयंकर वेपन हमारे पास है अभी, भयंकर वेपन, भयंकर मिसाइल्स, भयंकर तरीका का जो चीज हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दे दिया। माय गॉड, ओ यस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यस, आपको आप लोग भाग्यवान है, ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री का कॉन्टेक्ट में आ गए। माय गॉड, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यस बिल्कुल सही है, कितना भयंकर पिक्चर को हम लोग देखा। यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। यस ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। कैन यू से आमेन? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। हाँ, मेरे को मालूम नहीं मैं कैसे इन बातों को लेकर आया, हकीकत का बात है, कोई भी हमको हिला नहीं सकता है। यस हम, क्योंकि ऐसी बातों को हमारा देश में प्रभु रखा है। और आप पूछेगा, ब्रदर वाटसन क्यों आप ऐसा बोलते हो, हिंदुस्तान को कोई भी हिलाएगा नहीं? बिल्कुल सही बोला मैं, क्योंकि भाई ब्रैनम हिंदुस्तान के अंदर का बेदारी को देखा। ओ यस, उससे बढ़कर क्या चाहिए तेरे को? अविश्वासी, अविश्वास में मर जाएगा तू? नॉनसेंस, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला तू, एक्चुअली उसका उसको कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के बारे में बोलने तो और किसके बारे में बोलेगा? मैं अमेरिका में नहीं है अभी, ना रशिया में नहीं है, मैं हिंदुस्तान में है। जो देश में है वो देश को मैं प्रेम करता है, वचन बोलता है वो देश को तुम प्रेम करो। अगर मैं देश को प्रेम करेगा, देश के अंदर होने वाला बेदारी के लिए मैं इंतजार करने वाला है, क्योंकि ऐसी महान बेदारी को परमेश्वर इस हिंदुस्तान में रखा है। सबसे बढ़िया बेदारी, सबसे बढ़िया रिवाइवल हिंदुस्तान के अंदर होने वाला है। Can you say amen? My God, praise be the name of the Lord. Oh yes, aur mera pyara mere behno, parameshwar ka naam ko dhanyawad de. Oh yes, praise be the name of the Lord. Oh yes, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे मेरे प्यारे भाई बहन। एक दिन पूरा हिंदुस्तान एक जबरदस्त मंदिर को देखेगा। वो लोग अभी वो मंदिर को बांध रहे वो लोग, मगर असली मंदिर को देखेगा, असली मंदिर वो लोग को दिखने को मिलेगा, तभी वो लोग को होएगा ओ परमेश्वर ये जो है तू जो है वो मंदिर है। कैन यू से आमेन? अगर जैसा सब कुछ मेरा प्यारे भाई बहन, सब कुछ स्वाभाविक है, वो आत्मिक का अर्थ है उसके अंदर। जो मंदिर को वो लोग बांध रहे, परमेश्वर भी इधर मंदिर को बांध रहे हैं, परमेश्वर भी इधर मंदिर को बांध रहे हैं। ये जबरदस्त मंदिर है, अगर ये मंदिर खड़ा होने के समय भी वो लोग को मालूम होता है ये जबरदस्त मंदिर है करके। Can you say amen? How many say amen? Can you say amen? Praise be the name of the Lord. Oh yes, क्या सोच रहे हो? हिंदुस्तान से अमेरिका जाने का मत करो, मत वीसा ले वो अमेरिका जाने का, ना रशिया जाने, हिंदुस्तान में रहो, इस रिवाइवल के लिए इंतजार करो। ये सब रिवाइवल का मटेरियल है। अगर ये बात आपको मालूम है, भाई ब्रैनम रिवाइवल को देखा। वो 3 लाख लोग एक ही जगह पर कलकत्ता में 3 लाख लोग एक ही झटका में वो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया। हाँ, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यस, ये क्या है, कहानी है क्या? आप लोग मेरा प्यारा भाई बहन, कभी कभी मेरे को कुछ लोगों के साथ बात करने में, अरे वो लोग अविश्वास से बताता है, अविश्वास में मत रहो, हिम्मत रखो, धीरज रखो। वो यस घर के अंदर अपना अपना पत्नी को अपना कंट्रोल में रखो। वो यस कंट्रोल, पति पत्नी कंट्रोल में रहना,
कैन यू सेव इन वॉयस? इतना महान बातों को सुनते हो और अपना जीवन को बिक्री के जैसा भेजो मत कभी भी। कैन यू सेव इन वॉयस? कितना महान चीजों का आप सुन रहे हैं आज। अगर दुल्हन का दुल्हा का आवाज हम लोग सुन रहे हैं हिंदुस्तान में, अगर ऐसी मिनिस्ट्री के नीचे आप हिंदुस्तान में प्रभु ने खड़ा किया, किधर है आप मेरे को मालूम नहीं किधर है वो मिनिस्ट्री, किधर है आप लोग देखो ढूंढो, किधर भी ढूंढेगा तो उधर ही बैठो, मेरे को मालूम नहीं किधर है, मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर मेरे को मालूम है तो मैं मेरा हृदय के अंदर छुपा के रखेगा, क्योंकि प्रभु मेरे को दिखाया, प्रभु मेरे को बताया, परमेश्वर मेरे को रखा, परमेश्वर उपस्थिति को भेज दिया। कैन यू से मैन? और हर सर्विस में हमारा सर्विस अभी पहले के जैसे नहीं है, अलग हो गया, अलौकिक रूप से सर्विस को प्रभु ने बना दिया। कैन यू से मैन? हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यस, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। Oh yes, beautiful, beautiful, beautiful. हाँ, oh yes, हाँ, देखो वो ब्राइडगूम का आवाज है, नबी है, प्रॉफिट वॉज डाउन देयर, रेवलेशन के ऊपर सोया है, और आप लोग देखेगा oh yes, ये जो है महान चीज है। दो दूसरा खिंचाव का बात, पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव हो गया, मगर ये तीसरा की चाव है, थर्ड पुल। ओ यस, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। जैकब क्या बोलता है, माय, हाँ जैकब इधर क्या बोला, अरे बाप रे ये भयंकर जगह है बोला, और वो बोला भयंकर जगह है, और मेरे को मालूम नहीं है ये दूत लोग ऊपर नीचे आता है, और परमेश्वर का आवाज ऊपर से नीचे आता है, परमेश्वर का आवाज ऊपर से नीचे आता है, स्वर्ग से नीचे आता है, वैसे नीचे तक पृथ्वी तक आता है। और उन्होंने क्या बोला, कौन क्या जैकब क्या बोला, हाँ माय गॉड ये जो कुछ भी नहीं, ये जो परमेश्वर का घर है बोला। कैन यू से मैन? ये परमेश्वर का घर है। ओह यस, ब्यूटीफुल। ये जो है परमेश्वर का घर है, इट इज नथिंग बट द हाउस ऑफ गॉड, प्रभु का घर है। ओह यस, प्रभु का नाम को धन्यवाद है, ये जो है प्रभु का घर है। ओह यस, अगर ऐसा रेवलेशन है, ऐसी आवाज उधर हो रहा है, ऐसी नबी को हम लोग पाया, ऐसी मैसेज हमको मिलता है, ऐसी उपस्थिति को हम देखता है, ऐसी दूत लोगों का प्रेजेंस है, फिर क्या है, प्रभु का घर है। अगर आप प्रेज द लॉर्ड, अगर प्रभु का घर होने के लिए, बराबर सुनो, जैकब इतना साल का पहले, मेरा प्यारा भाई बहनों, जितना अकल है जैकब को क्या मेरे जैसा आपका जैसा प्रकाशन मिला, बिना प्रकाशन मिलने से जैकब इनको देखते हुए, बराबर सुनो, हमको तो प्रकाशन मिला, हम तो असली में वो समय में खड़ा है, हम असली में वो दिन में खड़ा है, मगर जैकब के दिन में वो नहीं था, मगर वो काली स्वप्न को देखा, काली स्वप्न में वो देखा सब चीजों को, हम स्वप्न में नहीं देखता है, हम असली में देखता है। हाउ मेनी से मैन? कितना लोग उसके लिए साक्षी है, हम असली में देखता है इन बातों को। कैन यू से मैन? हाँ, असली में देखता है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वॉयस, बराबर सुनो, असली में देखते हैं हम लोग, हाँ, और असली में देखते हुए वॉयस वो क्या बोला, ये कुछ भी नहीं, ये प्रभु का घर है, और मैंने इनको प्रभु का घर बोले कहते बेथेल, ये ट्रिनिडाड का बेथेल नहीं है, वो उसको छोड़ दो, वो खाली इज्जत निकालने के लिए ऐसी नाम रखा, उधर ऐसी काम नहीं होते, ये किसके लिए, कैसा आप बेथेल, कैसा प्रभु का घर बोलेगा, बराबर सुनो, कैसा प्रभु का घर होता है, प्रभु का घर ऐसा होता है जो ऊपर से नीचे सुनना आया हुआ आवाज को हम सुनना चाहिए, नबी को पहचानना चाहिए, नबी और प्रकाशन को हम देखना चाहिए, और जगह में दूत लोग का उपस्थिति, वो दूत लोग उधर आते जाते रहता है, वो परमेश्वर का आवाज उधर आता है, और ये सब होता है, और नबी नीचे है माय गॉड, और ऊपर सीढ़ी में प्रभु खड़ा है, और वो उसका उपस्थिति है माय गॉड, फिर और क्या है, वो परमेश्वर का घर है। हाँ, मगर जिधर ऐसा बात नहीं है वो परमेश्वर का घर नहीं बन सकता है, वो बेतेल नहीं बन सकता है, वो तबेला है, तबेला मालूम है, बेतेल अलग है, तबेला अलग है, तबेला है वो, तबेला बोलेगा तो मालूम है बेरिस को सब पालने वाला जगह है, तबेला,
थबेला में रहते हो या बेतेल में रहते हो, वो सब थबेला है। हमको थबेला नहीं चाहिए, हमको बेतेल चाहिए, परमेश्वर का घर चाहिए। कैन यू से मैन? हालेलुया। ओ यस सर, ओ यस सर। पहले वो नहीं था, पहले नहीं बुलाया, मगर ये सब होने के बाद परमेश्वर का घर हो गया। हाँ, और आप वो जगह को पहचाने के जिधर जिधर नबी अपना सर को रख के विश्राम करता है, स्वर्ग का जो वैसे स्वर्ग के आपको वो जगह मिलने का है, आपको वो जगह देखने का है, वो जगह है हाउस ऑफ गॉड। वैसे ये रॉन्ग जगह में हो गया, ट्री रॉड नहीं है हाउस ऑफ गॉड का। ट्री रॉड में ये घटना नहीं हो गया, ट्री रॉड में ये घटना नहीं होगा, ये घटना हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूर्व भाग में। वैसे दुरम फुल गॉस्पेल क्रिश्चियन असेंबली दुरम कनेक्टिकट यूएसए, उधर इन बात हो गया, उधर वो नबी था। वैसे उधर हम ये पिक्चर को देख सकते हैं, वो जो था बेतेल था, वो जो था प्रभु का घर था, और वही घर से हमको आज खाना मिला, वही घर से हमको खाने को मिला। प्रेज बी द नेम ऑफ हाउ मेनी से मैन। वैसे अमेरिका का पूर्व भाग में ये बेतेल, बेतेल उधर हो गया, क्योंकि ये जगह जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि माइटी एंजल एक पैर पृथ्वी में एक पैर समुद्र में रख के अपना मुंह को खोल दिया और सात गर्जना उसका मुंह से निकला। वो किधर है ब्रदर? हाँ, वो जो है अमेरिका का पूर्व भाग में। और नबी किधर है? अमेरिका का नबी ट्रिनिडाड का, ये सफारी वाला नहीं है, सफारी पहनने वाला डाल्टन ब्रूस नहीं है, वो गलत आदमी है, वो इंपर्सनेटर है, नकली करने के लिए आ गए, वो गलत व्यक्ति है, गलत आदमी है, गलत आवाज है उसका, वो बिल्कुल नहीं है। मगर ये जो है सही आवाज को दे दिया, सही वॉइस को हमको दे दिया, सही आवाज हमको दिया, इसलिए हमको आज हिम्मत आ गया, इसलिए हम लोग पुलपिट के पीछे खड़ा होते हुए हम आवाज को देने वाला बन गए। Can you say amen? इसलिए ये बात हिंदुस्तान के अंदर भी हमको मिला, आप लोग भाग्यवान है ये सुनने वाला। Can you say amen? My God, हिम्मत रखो कभी भी। ये सब बातों को प्रभु हमको देखता है, इसलिए भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं? Oh yes sir। हाँ, आप लोग उस जगह को पहचानो जिधर नबी ने अपना सर को रखा, किधर वो स्वर्ग से वो सीढ़ी आके पहुंचा पृथ्वी में, और किधर प्रभु परमेश्वर बात करते हैं। कभी आपको जगह में मिला, तभी आपको परमेश्वर का घर मिलता है। यू विल फाइंड द हाउस ऑफ गॉड। आमेन। हमको मिला वो घर किधर है, हमको मिला कौन सा जगह पर ये बात हो गया, हमको मिला कौन सा जगह पर ऐसी घटना हो गया। ओ यस, हाउ मेनी से आमेन? इस रात को आप लोग बॉर्न अगेन नहीं हो गया, अगर आप इस बातों को सुनेगा, आप विश्वास करेगा, अभी इसी रात को आपको बॉर्न अगेन होएगा, नए जन्म को पाएगा आप लोग। कैन यू से आमेन? आहा, नए जन्म देने वाला मैं नहीं, ये परमेश्वर है। इन बातों का पहचानेगा, कौन सा जगह पर ये घटना हो गया, कौन सा जगह पर ऐसी बात हो गया, कौन सी जगह पर जैकब का लैडर फिक्स हो गया, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक आया, किधर ये नबी था, कौन है वो नबी, माय गॉड, कौन सा नबी के ऊपर दूत लोग आते जाते रहता था, कौन सा नबी का समय में सातवां मोहरा खुलासा हो गया। वैस आपको मालूम पड़ेगा वो स्पॉट, वो जगह आपको मालूम पड़ गया। मैं बोलता है वो वही जो है हाउस ऑफ गॉड है, ट्रिनिडाड नहीं है, ट्रिनिडाड का बेतेल नहीं है, वो गलत है, वो नकली में नाम रखा, और नकली में नाम रखते हुए वो सोचा इधर ही प्रभु का भव घर है, इधर ही प्रभु का, नो बिल्कुल गलत है। अगर उसको जो पहचानेगा, अगर वो सोचेगा यही जो है बेतेल प्रभु घर है, लोग रैप्चर में जाने का आउट होएगा। मगर ये हकीकत का बात है, ये सही है, ये जो है प्रभु का घर है, ये जो है असली बेतेल है, ये जो है असली बेतेल द हाउस ऑफ गॉड, ये जो है। और नबी जो है इधर ही था, वो नबी अमेरिका का पूर्व भाग में कनेक्टिकट यूएसए फुल गॉस्पेल असेंबली चर्च वेस्ट दुरम वेस, और वो नबी का नाम बोलने के लिए पीछे रहते, वो नबी कोई भी नहीं है, भाई रॉबर्ट ली लैम्बर्ट। माय गॉड, वेस एक ही बार बोलूंगा मैं, वेस बस इतना तक आपको मैंने मदद किया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। और आप लोग उस नबी के द्वारा दूल्हा का आवाज को सुन रहे हैं।
किसका आवाज को? दूल्हा का आवाज को। अभी जिधर भी वो दूल्हा का आवाज आप सुन रहे हैं और ये चित्रण आपके सामने है और ये दूल्हा का आवाज को सुन रहे हैं, वहां पर परमेश्वर का दूत लोग भी खड़ा है और प्रभु भी खड़ा है, फिर उधर भी प्रभु का घर होने का संभावना है। यस, वहां पर भी प्रभु का घर हो जाएगा, क्योंकि आप इस पूरे का पूरा चीजों को आपने स्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। आपका नए जन्म होने के लिए कोई भी कष्ट नहीं है, आपको नया जन्म मिलेगा। इस रात को आप इसको विश्वास करेगा, अभी तक आपको नया जन्म नहीं मिला मगर आज रात को आपको नया जन्म मिलेगा, क्योंकि आप इन बातों को विश्वास में रखे हो। आपको बात मालूम हो गया, ये कौन है करके ब्राइड ग्रूम का मिनिस्ट्री दूल्हा का मिनिस्ट्री है, दूल्हा का सेवक है। ओ यस, आपको कभी भी परमेश्वर नए जन्म से दूर नहीं रखेगा, आपको नए जन्म के अंदर लेकर आके आपको तैयार करेगा आने वाले दिन का टोकन को पाने के लिए। कैन यू से मैन My God, अभी इधर बाइबल में how many would like to find the house of God? देखो प्रश्न पूछा, प्रभु का जन कितना लोगों को चाहिए, कितना लोगों को चाहिए परमेश्वर का घर को पहचाने का? Praise be the name of the Lord, कितना लोगों को चाहिए? मैं भी पूछ रहा हूँ, how many want to find out the house of God? कितना लोगों को? क्या Trinidad है? क्या GCC है? किधर है, किधर है, बताइए मेरे को। माय गॉड, ये जो है हाउस ऑफ गॉड है, जिधर नबिता और परमेश्वर ने ऊपर से नीचे सीढ़ी को लगा के दूत लोगों को भेजते हुए ऊपर नीचे जा रहा था और ऊपर से आवाज आने को शुरू हो गया, नबी के द्वारा वो आवाज आ गया और हम लोग पहचाना, वही जो है परमेश्वर का घर है। अभी परमेश्वर घर उसका पहले नहीं था, भाई ब्रैनम के समय में परमेश्वर का घर नहीं था, इसलिए भाई ब्रैनम रोया, क्योंकि क्यों उधर मुर्दा का जन्म हो गया, क्यों उधर मुर्दा का जन्म हो गया, क्यों भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में मुर्दा का जन्म हो गया? वो खाली खुला बोला, वो मेरा मिनिस्ट्री में खाली एक गंदा बदुआ देने वाला एक इजिप्शियन का लाश उधर गिराए करके क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर का घर नहीं था। वैस वो इसलिए मेरा खैर बहनों वैस ब्रैनम टबरनेकल जो भी है, आप गलत मत समझना, वैसे परमेश्वर का घर तभी नहीं था, इसलिए कोई भी नए जन्म को नहीं पाया। हाँ, परमेश्वर का घर बाद में बन गया, बाद में ये घटना होना चाहिए। How many say amen? Are you agree with me? इसलिए भाई लैम्बर्ट क्या बोलते हैं, How many find out that house of God? कितना लोग वो प्रभु का घर को पहचानते हो? बोला वैसे ये मेरा मिस्टेक नहीं है, ये हकीकत का बात है, मैं मिस्टेक नहीं कर सकता। भाई ब्रैनम का समय में प्रभु का घर नहीं हुआ, इसलिए भाई ब्रैनम का समय में प्रभु का घर नहीं होने से वैसे मेरा फिर बैर बहनो इसका बात, क्योंकि पूरा रेवलेशन पूरा मैसेज माय गॉड प्रभु का घर में आना चाहिए। और ये जो है प्रभु का घर है, क्योंकि दूल्हा का आवाज उधर आने को शुरू हो गया और दूल्हा का आवाज आने से प्रभु का घर बन गया। Can you say amen? My God. उसका पहले नहीं था, भाई लैम्बर्ट क्या बोलते हैं, वो जाओ हाँ ऑल राइट, कभी भी ये नहीं था, ऑल राइट हम लोग उसको पहचान लिया, क्योंकि वो पक्षी का समय है, पक्षी आते जाते थे, छोटा पक्षी और बड़ा पक्षी। हाँ, ये दूत लोग ऊपर नीचे आता है। हाँ, ये तीसरा खिंचाव जो है ये पक्षी का नहीं है मगर दूत लोग का है, दूत लोग मनुष्य पुत्र का ऊपर नीचे आता है, थर्ड पुल है, रिवील्ड वर्ड है। आमेन, वो थर्ड पुल है, तीसरा खिंचाव है, प्रकटित हुआ वचन है, वैस दूत लोग का, वो दूत लोग उधर ही आता है। वैस क्या ये अच्छा नहीं दिखता है, ब्यूटिफुल है वो? हाँ, भाई ब्रैनम अच्छा नबी है, भाई ब्रैनम हम कभी भी रेस्पेक्ट देते हैं, वो अच्छा नबी है, अच्छा प्रॉफिट है वो, मगर उनका मिनिस्ट्री ऐसा है, प्रभु ने उसका मिनिस्ट्री ऐसा बना दिया, वो प्रभु के हाथ में मिनिस्ट्री बनाने वाला प्रभु है, आप नहीं मैं नहीं, मैं भाई ब्रैनम को मिनिस्ट्री बना के दे नहीं सकता है। अगर भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में वो नहीं है, हम कौन है उसका मिनिस्ट्री में ऐसे बनाने वाला, हम कौन है बताओ मेरे को? माय गॉड, क्यों आप भाई ब्रैनम को रूप देते हो? भाई ब्रैनम को जो प्रभु दिया रूप वही रूप रहने दो, हम वही रूप से भाई ब्रैनम को देखना चाहता है, आप जो देने वाला रूप से हम नहीं देखता है। हाँ, कभी भी आप रूप नहीं दे सकता है भाई ब्रैनम को, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ऑल राइट,
इसलिए जैकब बोलता है ये जो है आप परमेश्वर का घर बताया वयस और वही जो है स्वर्ग जाने का फाटक है, वो स्वर्ग जाने का फाटक है। वयस निमरोद का मीनार नहीं है, निमरोद का मीनार स्वर्ग जाने का फाटक नहीं है, वो नरक जाने का फाटक है, नरक जाने का वयस हेल को जाने का गेट है वो, मगर ये जो है स्वर्ग जाने का रैप्चर में जाने का फाटक है वयस। हाँ दूत लोग ऊपर नीचे जाता है मनुष्य पुत्र के ऊपर, हाँ मगर ये ओपनिंग ऑफ द सील्स तक नहीं था। इसलिए ब्रदर ब्रैनम बोला अब अभी दुल्हन अभी दुल्हन छुटकारे को नहीं पाई। उन्होंने सिद्ध मनुष्य का डील डोल में बोला प्रभु का खून वैस प्रभु का खून मोहरा खुलासा होने पर, बराबर सुनो, मोहरा खुलासा होने पर परमेश्वर का खून आएगा, वो दुल्हन को छुटकारा देगा, वो दुल्हन को छुड़ाएगा। वयस और दूसरे शब्द में बराबर सुनो, हाउ मेनी से मैन, हाउ मेनी आर यू कंफर्टेबल, कितना लोग आराम में है वयस, हाउ मेनी से मैन। अभी इधर सुनो, ये हाउस ऑफ गॉड परमेश्वर का घर कब तक ये घटना नहीं हुआ, कब तक ये घटना नहीं हुआ, कब तक सेवंथ सील। मैंने आप लोगों को सरल रूप से बताना चाहता है, सरल रूप से बोलेगा तो पूरा प्लेन करके बोलना चाहता है, कब तक सातवां मोहरा खुलासा नहीं हुआ, कब तक ये घटना, ये दूत लोग ये सीढ़ी ये एक जगह पर वो स्पॉट में लगाया, स्पॉट किधर है वो स्पॉट, फुल गॉस्पेल क्रिश्चियन असेंबली दुरम कनेक्टिकट यूएसए। और उधर एक नबी था उसका नाम जो है मैंने बताया आपको, और वहां पर ये घटना हो गया, तब ये प्रभु का घर हो गया, तभी प्रभु का घर को बांधा हुआ बांध दिया वो यस। ऑलराइट वो मनुष्य पुत्र का ऊपर आ गया, मनुष्य पुत्र कौन है, मसीह है वैस, बायलामट मनुष्य पुत्र नहीं है, मनुष्य पुत्र नबी है सॉरी प्रभु है। ऑलराइट और बट वेर एवर द सन ऑफ मैन इज एट, किधर भी मनुष्य अभी देखो बराबर अभी देखो ये हो गया, किधर भी मनुष्य पुत्र है, मनुष्य पुत्र कौन है ब्रदर वाटसन, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह जो है मनुष्य पुत्र है। हाँ अभी देखो वेर एवर द सन ऑफ मैन इज, बोलेगे तो कहां पर भी उसका उपस्थिति है, यू विल फाइंड द एंजल्स डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, आप देख सकता है दूत लोग ऊपर आना नीचे, ऊपर से नीचे आना नीचे से ऊपर जाना, आमेन। इसलिए हमारा हर एक सर्विस में हम दूत लोगों को देखता है वैस, ब्रदर वाटसन मुल्की में कौन है, दूत लोग है, दूत लोग इधर मौजूद है, दूत लोग इधर खड़ा है, दूत लोग इस रेवलेशन को सुन के आनंद उठाता है। कैन यू से मैन माई गॉड, क्या दूत लोगों को खान नहीं है, वो लोग भी सुनता है, My God, wherever the Son of Man is, कहां पर भी मनुष्य पुत्र है, आप लोग दूत लोगों को पहचाने का। ऑलराइट हाँ, यू विल फाइंड अ लैडर हेडिंग स्ट्रेट टू हेवन, आप लोग वो भी देखेगा जो सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंचा है। कैन यू से मैन, जो सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंचा है, क्योंकि ये रेवलेशन ये प्रकाशन ये मैसेज किधर भी प्रचार किया जाएगा उधर मनुष्य पुत्र है, दूत लोग भी है और सीढ़ी भी लगा दिया। कैन यू से मैन, आमेन, 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 ओ ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। वही जो है तरीका है स्वर्ग तक जाने का, अनकोट इसका मतलब वही जो तरीका है रैप्चर में जाने का वयस वयस। और आप लोग देखेगा स्वर्ग को, आप लोग स्वर्ग का फाटक को देखेगा ओपनिंग ऑफ द सील्स के बाद बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द थर्ड पुल द सन ऑफ मैन वयस, मनुष्य पुत्र का सेवकाई थर्ड पुल तीसरा खिंचाव वयस। ब्रदर वाटसन हम लोग किधर है, तीसरा खिंचाव में हम लोग खड़ा है, तीसरा खिंचाव थर्ड पुल में हम लोग खड़ा है वयस। कैन यू से मैन माई गॉड, मैं और आप किधर खड़ा है, तीसरा खिंचाव के पास। इसलिए हमको वो चंगाई किया, उसको अंक मिला, उसको फेर मिला, उसको खान मिला, उसको वो मिला, उसमें हम लोग गई, हम तीसरा खिंचाव में है। सबसे बढ़िया मिनिस्ट्री है, सबसे बढ़िया सेवकाई है, सबसे बढ़िया वॉयस मैसेज है, सबसे बढ़िया रेवलेशन है, सबसे बढ़िया प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड है, सबसे बढ़िया होली गोस्ट पावर है, सबसे बढ़िया रिफिलिंग ऑफ द होली गोस्ट है, सबसे बढ़िया वॉयस आउटपोरिंग ऑफ द होली
Spirit. Can you say, man, my God, my God? Would you say, would you give the praise offering? Glory, glory, glory. Thank you, Lord. Oh, yes, praise be the name of the Lord. My God, my God. Praise be the name of the Lord. Oh, yes. Praise be the name of the Lord. All right. अभी पहला स्टेप क्या है? फेथ है. फेथ बोलेगा तो रेवलेशन, और उसके बाद वर्च्यू, और हम लोग क्या होते हैं? अभी फेथ आने से रेवलेशन, हम उठने को शुरू होते हैं, स्टेप अप, स्टेप से चढ़ने को शुरू होता है, और उसके बाद नॉलेज, उसके बाद टेम्परेंस, उसके बाद पेशेंस, गॉडलीनेस, ब्रदरली काइंडनेस. अभी आप हम लोग पृथ्वी छोड़ने के लिए तैयार करते हैं. याकूब ने बोला वो जो है कुछ भी नहीं है, स्वर्ग जाने वाला फाटक है. वॉयस परमेश्वर इस घड़ी में एक ही फाटक को दिया. ऑल राइट पहला परमेश्वर का आगमन, उसको मोहर नहीं डाला था. क्योंकि वो बाइबल में बताया था. वॉयस वो जेरूसलेम में आता करके कैसा वो आएगा, कौन सा गधे के ऊपर चलेगा, वो वैस सब कुछ बताया. इसलिए वहाँ पर एक झुंड था. वैस देर वॉज ए ग्रुप दैट फाउंड, वो लोग उसको पहचान लिया, और वो लोग वो गेट को, फाटक को पहचाना. वैस इन अदर वर्ड्स द पिक्चर, ये जो चित्रण, ये छोटा गधे के ऊपर आने वाला वो मनुष्य पुत्र नबी वयस, और दूत लोग ऊपर नीचे जाना. वयस जैकोब का जो सीढ़ी, यहाँ पर हम देखते हैं दे वेर वेटिंग, दे डिड वॉस, दे टुक अप देयर गारमेंट्स. ऑल राइट, वहाँ पर वो लोग अपना वस्त्र को निकाल दिया और डाल दिया, और मनुष्य पुत्र को देखा वो लोग. ऑल राइट, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. अभी इधर वो आ रहा है गधे के ऊपर, क्योंकि वो बातों को वचन में लिखा था. गधे के ऊपर वो आएगा, वो राजा है, गधे के ऊपर आएगा. वयस और ये बहुत छोटा दिखते हमको. वो मनुष्य को वो लोग इनकार कर दिया. वयस क्योंकि उनका जन्म के बारे में, उनका जगह के बारे में सब लोग उसको इनकार कर दिया. वयस और इधर लोग अपना वस्त्र को निकाल दिया और उसका सामने डाल दिया. वयस ऑल राइट, क्योंकि वो गधे के ऊपर चल के आ रहा था. लिटिल डोंकी, वो फाटक के अंदर आ रहा था. कमिंग इन टू द होली स्पिरिट, बट दे फाउंड द राइट गेट. वो लोग सही फाटक को पहचान लिया. वयस वो लोग वहां पर खड़ा था, वो लोग उधर रो रहा था, वो लोग उधर मनुष्य पुत्र आने का देखा, वो लोग रो रहा था, होसन्ना होसन्ना करके बोलता था. वयस कमिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, हॉलरिंग एंड शाउटिंग. वो लोग चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था. वयस और कुछ लोग वहां पर खड़े थे. वयस वो लोग सब चिल्ला रहा था, सब लोग वहां पर चिल्ला रहा था, सब आवाज चिल्लाना, सब लोग आ रहा था, क्योंकि एक प्रचारक गधे के ऊपर आ रहा था. वयस और वो आते आते रहता था, लोग चिल्लाया. वयस क्योंकि प्रभु ने बोला अगर ये लोग नहीं चिल्लाएगा, पत्थर चिल्लाने को शुरू करे करके. ऑल राइट, वो लोग क्या चिल्ला रहा था? होसन्ना होसन्ना होसन्ना. मेरा प्यार बहन बहन, ऐसी समय पर वो लोग, मगर अभी हम लोग कितना ज्यादा चिल्लाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अभी गधे के ऊपर नहीं आता है, अभी घोड़े के ऊपर आता है. कैन यू से मैन, व्हाइट हॉर्स राइडर घोड़े का ऊपर आ रहा है. वॉयस वो बढ़िया मिनिस्ट्री है. माई गॉड, माई गॉड. Oh yes, glory to the name of the Lord. Oh yes. और उन्होंने क्या बोला? You shall not see me no more. आप लोग मेरे को कभी भी देखेंगे नहीं, मगर उन्होंने बोला मगर you will see me again. Oh yes, आप लोग वापस मेरे को देखेगा. Blessed is that cometh in the name of the Lord. Oh yes, प्रभु का नाम से आने वाला बहुत आशीष पाने दो. All right now, notice, अभी इधर देखो, second coming, उसको मोहरा डाला गया. Second coming, दूसरा आगमन के लिए मोहरा डाला गया. I mean the gate that he's gonna enter into is sealed up. क्योंकि वो कौन सा फाटक में आता है उनको, क्यों बराबर सुनो, कौन सा फाटक में आता है उसको मोहरा लगा दिया.
ओ यस इस फर्स्ट कमिंग क्योंकि उनका पहला आगमन मोहरा नहीं लगाया ओ यस मगर उसका दूसरा आगमन को मोहरा लगाया ओ यस शोइंग यू दैट सेकंड कमिंग टू द ब्राइड इज सील्ड अप ओ यस दूसरा आगमन जो है दुल्हन के लिए उसको मोहरा लगा दिया ओ यस आई मीन द गेट उसका मतलब जो फाटक ऑलरेडी ही इज गोना कम राइडिंग नॉट ओनली व्हाइट डोंकी ओ यस ये अभी वो सफेद गधे के ऊपर नहीं आता है सफेद घोड़े के ऊपर से आता है क्या न्यू सेमन सफेद घोड़े के ऊपर आता है वो वैस डोंकी के ऊपर पहला गमन में आ गया वो उसका डोंकी है मगर अभी डोंकी नहीं है गधा नहीं है मगर घोड़ा है वैस कभी वो सफेद घोड़े क्योंकि ब्रानम क्या बोला आई विल राइड दिस ट्रेल वन मोर टाइम मैंने इस अभियान को और एक बार चलाऊंगा करके बोला क्या न्यू सेमन मैं इस अभियान को और एक बार चलाऊंगा ऑलराइट ओएस ये जो है सफेद घोड़े के ऊपर आने का बहुत गुप्त बात है बहुत सीक्रेट है ओएस कभी वो आज आ जाएगा सफेद घोड़े का घोड़े के ऊपर क्योंकि उनको चाहिए कोई ना कोई उनको प्रेस करने का आमेन प्रेस कर सो ही इज गॉन अ लिट इसलिए कुछ लोगों को कुछ चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करेगा कैसा बाय द डिवाइन रेवलेशन जो महान अलौकिक प्रकाशन के द्वारा वो लोगों को इकट्ठा करेगा क्यों वो लोग वो फाटक को पकड़ेगा फाटक को पहचानेगा क्योंकि जो फाटक से वो आएगा वैसे दे आर गोना फाइंड द राइट गेट वो लोग सही फाटक को पहचानेगा वैसे कैसा वो लोग पहचानेगा इट विल बी रिवील्ड टू देम वो लोग को प्रकटित किया जाएगा आमेन वो लोग को मालूम फाटक कौन है प्रॉफिट है वो जो प्रॉफिट फाटक है हमारे लिए कैन यू से मैन हालेलुया हमको बताएगा परमेश्वर कौन सा नबी के अंदर से वो आएगा करके कौन सा नबी के द्वारा वो आ जाएगा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे ऑलराइट प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड ओ यस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे वो कौन सा फाटक अंदर आता है करके हमको पहचाने का है क्योंकि ये बातों को परमेश्वर ने गुप्त करके डाला है प्रभु के नाम को धन्यवाद दे मेरा प्यारा भाई बहनों ये बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया रेवलेशन है प्रभु के नाम को धन्यवाद आज के लिए मैंने इतना तक बताया आप लोगों को ताकि आप लोग इनको समझने का और समझने के बाद आप लोग अपना हृदय को प्रभु के नाम सामने हल्का कर दो नम्रता में आ जाओ परमेश्वर के नाम को धन्यवाद काफी बातों को आप लोग ने सुना पहला गमन में वो गधे के ऊपर साथ वो लोग पहचान लिया वैसे स्वर्ग जाने वाला फाटक होने करके मगर अभी भी हम लोग पहचाने के कौन सा फाटक वैसे तभी आपको फाटक मिलेगा सॉरी फाटक को आप देखा कौन सा फाटक आप वही फाटक से आप स्वर्ग जाएगा कैन यू से मैन वही फाटक जो है स्वर्ग जाने का फाटक है हाउ मेनी से मैन वही जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट का मुंह से आने वाला जो शब्द है जो मैसेज है जो रेवलेशन है प्राइस बी द नेम ऑफ द लॉर्ड मगर अभी वो गधे के ऊपर नहीं आता है मगर व्हाइट घोड़ा सफेद घोड़े के ऊपर आता है वो उसका अभियान मनुष्य पुत्र होते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद आइए आप लोग सब उठिए हम प्रार्थना करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु ये महान रेवलेशन के लिए महान मैसेज के लिए परमेश्वर आपने जो भी हमारा हाथ में दिया हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं ये बहुत बढ़िया बात है प्रभु आपने मेरे लिए और सबके लिए आपने ये बातों को आपने बता दिया मैं सोचा भी नहीं था प्रभु आपने इतना महान कामों को कर देगा हमारे जीवन में आपने बहुत कुछ हमको कर दिया प्रभु मैं धन्यवाद करना चाहता है प्रभु आगे के समय में भी आपका ये महान बातों से हमको चलाना होने दे आपका महिमा आपका गौरव जो भी इस मैसेज को शांत से और संयम से सुना है प्रभु सबको आपका आशीष को उंडेल देना परमेश्वर आने वाला दिन में और भी हम लोग सभी बातों को समझने के जैसा कर देना और भी हम सेवकाई के ऊपर प्रेम रखना प्रभु आपके ऊपर हम प्रेम रखने के जैसा आप कर देना परमेश्वर ये सातन का समय सातन भयंकर रूप से गर्जन कर रूप से आता है प्रभु आप ही उसको सामना करो सातन को आप हराना सातन का कोई भी सातन का चालाकी को होने नहीं दिया होने नहीं देना हम आपको धन्यवाद करते हैं
छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। अभी भाई जोशुआ आने गए। Thank you, Jesus.